नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरवीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरवीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि जो आज की वीडियो है इसमें आपको 20 प्लस क्वेश्चन बताए गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको टॉपिक क्लियर ही करा दूं, तो अराउंड 25-26 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो साथियों, लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था कि सांची स्तूप कहां पर है। तो जिन साथियों के करेक्ट आंसर हैं, दो साथियों के करेक्ट आंसर हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले गोविंद जी का करेक्ट आंसर है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो गोविंद जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका और थैंक यू वेरी मच, आपने कमेंट दिया। इसके बाद नेक्स्ट नीतू सिंह जी हैं जिनका करेक्ट आंसर है एमपी मध्य प्रदेश, ये भी करेक्ट आंसर है। तो साथियों, आज के लिए जो क्वेश्चन है आप सभी उसका रिप्लाई करें, जिनका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट टाइम आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, अभी आप वीडियो देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जो जैन धर्म है, जो जैनी लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, उस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आप ये ध्यान रखें, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसके बाद है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियोस में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपके जो टॉप 5 कमेंट्स हैं, जो करेक्ट आंसर होंगे वो बताए जाएंगे। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। इसके बाद, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। क्वेश्चन आ सकता है कि जय संहिता क्या है, महाभारत का प्राचीन नाम, जो महाभारत है इसका प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, मोहन जोदड़ो जो था भारत का सबसे प्राचीन नगर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। जो रामायण है इसमें कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। और साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करें। इसके बाद है, सत्यमेव जयते जो है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, सत्यमेव जयते है क्या। ये साथियों भारत का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये उपनिषद होते हैं हमारे और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। तो जो ये सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब ये क्वेश्चन दोबारा यहां पे आ गया, सत्यमेव जयते क्या है, भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते क्या है, भारत का आदर्श वाक्य है। कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है, मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया। जो तांबा धातु है, मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग तांबा धातु का किया था। जो तांबा धातु है, आप लोग सोच रहे होंगे और धातु होगी, नहीं, तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था, जो सोर्सेस से पता चलता है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। जो आग है, आग का आविष्कार कब हुआ था,
पुरापाषाण काल में हुआ था। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहां पर? मक्का में हुआ था। जो मोमडन लोग होते हैं मक्का जाते हैं, तो वहां पे क्या था, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जो पैगंबर थे उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। आप ये ध्यान रखें, कहां पे हुआ था? मक्का में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। अब कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और कौटिल्य के तीन नाम है, कई बार हो सकता है कि कौटिल्य की जगह क्या आ सकता है, चाणक्य आ सकता है और विष्णुगुप्त आ सकता है। हालांकि विष्णुगुप्त इतना नहीं आता, लेकिन कौटिल्य और चाणक्य ये कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक है, और इन्होंने किसकी रचना करी थी? अर्थशास्त्र की रचना करी थी। सामदेव को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो वेद है हमारे चार, उनमें एक वेद है सामवेद, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, लाइट ऑफ एशिया। तो साथियों, लाइट ऑफ एशिया कौन है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। आप ये ध्यान रखें, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। यूनानियों ने भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। अब जो हम इंडिया देखते हैं, भारत का नाम क्या है? इंडिया। तो ये किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। हम सोचते हैं ये अंग्रेजों ने कहा होगा, नहीं, ये गलत है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन और है, हिंदुस्तान किसने कहा था भारत को? जो हिंदुस्तान है वो किसने कहा था भारत के लिए? नाम दिया था हिंदुस्तान, हिंद, तो ये किसने कहा था, ये आप जरूर बताएं कमेंट करके। के बाद क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, ये आप ध्यान रखें। और हम लोग क्या सोचते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, ऐसा नहीं है। तो जैन धर्म में क्या हुए, तीर्थकर हुए थे, तो ऋषभ देव कौन से थे? पहले तीर्थकर थे। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। इसके बाद है पार्श्वनाथ थे, वो कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। हालांकि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल स्टार्टिंग करी थी वो किसने करी थी? ऋषभ देव ने की थी। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, आप ये ध्यान रखें, जो महावीर स्वामी थे इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, आप ये ध्यान रखें। इसके बाद महावीर स्वामी जी हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूं। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली में, आप ये ध्यान रखें, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, अनुजा और प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी क्या था? पुत्री का नाम था। और बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। जो महावीर स्वामी थे इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो आप ये समझ गए होंगे, जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी जी का? वर्धमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में सन्यास जीवन को स्वीकारा। क्वेश्चन सीधा यह आ सकता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में सन्यास जीवन को स्वीकारा, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकारा था।
इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ज्रम्बिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान जो था वो प्राप्त हुआ। 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या करी, तपस्या करने के बाद ज्रम्बिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे। और वो कौन थे? प्रियदर्शनी के पति थे, जो मतलब प्रियदर्शनी आपको पता है महावीर स्वामी जी की बेटी थी, तो प्रियदर्शनी के वो पति थे जामिल, जो महावीर स्वामी जी के पहले अनुयायी थे। तो इसका मतलब यह है जो पहले अनुयायी थे महावीर स्वामी जी के वो कौन थे? उसके उनके दामाद थे, उनके दामाद। इसके बाद महावीर स्वामी जी के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया है? निग्रंथ कहा जाता है। क्या? निग्रंथ। और साथियों ये जो मेन मेन पॉइंट है आप ये नोट कर सकते हैं कि महावीर स्वामी जी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है, पहले अनुयायी कौन थे, और जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन मेन वन लाइनर आपको बताए गए हैं, एक लाइन से कई के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था आज कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर।